तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ से तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 8th का मिशन गणित के तहत दिनांक 12/7/2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाव का। अब दशमलव संख्या जैसे 248.05 को निम्न प्रकार से लिखते कैसे, 248 और फिर दशमलव के बदले और 5 शतांश, दशांश में जीरो है, या 248.05। तो 248 को एक साथ पढ़ेंगे और 05 अलग अलग पढ़ेंगे। अब दूसरा है दशमलव को जोड़ने का सही तरीका। अब जैसे 24, 58 और 40 को जोड़ने का सही तरीका यदि इस तरह जोड़ते हैं तो ये देखिए, ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है और यहाँ पे ये इकाई और दहाई है, तो ये तो यहाँ पे गलत जुड़ गया क्योंकि इकाई दहाई को हमने सैकड़े और हजार में जोड़ दिया, जबकि सही तरीका इधर इकाई के बाद नीचे इकाई का और दहाई के नीचे दहाई का अंक होनी चाहिए था, तो ये सही तरीका है। स्थानीय मान के अनुसार जोड़ी जाती है। आइए समान दशमलव रूप में बनाना। पहले तो असमान दशमलव होगा, यानी दशमलवों की संख्या अलग अलग हो सकती है, उसे समान दशमलव के रूप में बनाना होगा। कह रहा है समान दशमलव रूप में दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की संख्या एक समान होती है तो समान दशमलव कहलाता है। दशमलव संख्याओं को जोड़ने या घटाने से पहले हम समान दशमलव के रूप में बदलेंगे, फिर अंकों को उसके स्थानीय मान के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे 2.483, 4.28, 6.78। तो इसको जोड़ना है तो सबसे पहले आप करें क्या, देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2.483, दशमलव के आगे दशमलव रखिए और फिर देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद वाला अंक 8 है और यहाँ पे 4 और 2 है, फिर है दशमलव के बाद दशमलव से पहले 6.78। अब बाकी जो बचा 7 और 8, यहाँ पे 3 अंक है तो 3 0, यहाँ पे 2 है तो ये भी 3 अंक हो, इधर भी जो बाकी बच रहा है सबके सामने 0 लगा दी, ये हो गया तीनों में दशमलव के बाद और दशमलव से पहले भी एक जैसा हो गया। अब सबको जोड़ सकते हैं आसानी से, 3 का 3, 8 8, 16 का 6 और हासिल 1 4 1 5 और 8 5 13 और 7 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 2 6 6 12 हासिल 1 4 और 1 5, तो 52.063 हो गया। तो हमारा पहला काम होना चाहिए दशमलव के बाद के अंक को एक समान करना और मेन काम दशमलव के बाद वाला होना चाहिए एक समान करना, और कोशिश करें दशमलव के पहले वाला भी कर ले, बाकी मतलब सब जगह जीरो लगा दे तो एक जैसा हो गया, उसको जोड़ना या घटाना आसान है। तो पहले हमें जोड़ने के लिए दशमलव का समान रूप समान बनाए, जैसे 25.45 है, 46.45 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, तो जोड़ना आसान हो जाएगा। अब पहले जो आगे वाले शतांश हो या हजारांश हो उसको पहले जोड़ते, 5 5 10 का 0, फिर बाकी वही रूल लागू होगा, 0 और 1 ऊपर चला जाएगा, तो 4 1 5 5 10 का 0, फिर हासिल पीछे वाले के साथ जुड़ जाएगा तो 1 और
पाँच एक छः, छः बारह, फिर हासिल एक तो दो एक तीन, चार सात, तो इस तरह ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार घटाव में भी है, घटाव को भी दशमलव का एक जैसा रूप बनाएं। जैसे 44.90 है और यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव लिखे और एक पाँच है जो कि घटाना है हमको, तो पहले इधर वाले अंक से हम शुरुआत करेंगे। तो जीरो में से पाँच नहीं जाएगा, तो इधर से लेते हैं दस, दस में से पाँच गया और ये रह गया आठ, दस में से पाँच गया तो पाँच बचा, अब आठ में से एक सात गया तो एक बचा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, चार में से पाँच जाएगा नहीं, इधर से ये हो जाएगा चौदह, ये हो जाएगा तीन, चौदह में से पाँच गया तो नौ, तीन में से एक गया तो दो, तो ये हो गया 29.15। इस तरह से हम बनाएंगे। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत किया हुआ है, जो कि इसमें मिलाना है, दोनों का जोड़ एक हो। तो यहाँ पे देखिए 0.1, एक में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए, एक इस तरफ लाना है तो 10 के लिए 9 और एक 10 होता है, इसको जोड़ना है। 0.5 को किसके साथ जोड़ा जाए तो एक होगा, 0.5 को 0.5 से के साथ जोड़ा जाए तो 10 होगा। 4.5 है तो 4.5 को, यानी एक, एक का मतलब ये हो गया, और 4.5 घटाना है दशमलव के साथ, 10 ये चला जाएगा, इधर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 10 में से एक गया तो 9, तो ये हो जाएगा 5 और ये भी 5 दशमलव, तो ये दशमलव 5.5 जो है इसका आंसर है। अब 0.98, अब दशमलव के बाद तीन अंक है तो 0.0262 के साथ 38 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी 100 होगा, 100 यानी इस तरह से 1.00 होना चाहिए। तो ये था आज का वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।